हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एप्पल फिटिंग सेट की कटिंग। जी हाँ दोस्तों, एक एप्पल फिटिंग सेट की कटिंग कैसे होती है, उसमें शोल्डर और तीरा और आर्म होल कितना रखते हैं, पूरी साइज हम आपको इसमें बताएँगे, फिटिंग एप्पल सेट कटिंग करने का तरीका। तो आइए जान लेते हैं कि एक एप्पल फिटिंग सेट की कटिंग कैसे होती है। तो जैसा कि हमने एक 2 मीटर कपड़े रखे हुए हैं, तो आप अगर ज़्यादा 30 इंची तक लंबाई, 28 से 30 इंची तक शर्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2.25 मीटर कपड़े चाहिए। तो फिलहाल हम इसी में बताएंगे, इसकी साइज हम आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 26 इंच है, यानी 26 इंच है, और इसका जो चेस्ट है और इसका जो चेस्ट है वो 34 इंच है, और इसका शोल्डर जो है वो 16 इंच है, और इसकी आस्तीन की लंबाई जो है वो 23 इंच है, और इसका जो कॉलर है वो 14 इंच है, और इसका कफ जो है वो 8.5 इंच है। तो हम आपको इसी साइज से एप्पल शर्ट की फिटिंग बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं एक एप्पल फिटिंग शर्ट की कटिंग कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको 2 पार्ट में इसको घड़ी किया हुआ है, और कपड़े में अगर उल्टे सीधे हैं तो आप उसको उल्टे की तरफ साइड से कटिंग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें चाक के निशान लगे रहते हैं, इसलिए सीधे में कभी कटिंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीधे स्केल से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, और हमको यहाँ पट्टी के लिए हमको 2.5 इंच निकाल लेना है, और तो 2.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा देते हैं। जहाँ तक आपकी लंबाई बनती है वहाँ तक आप इसको निशान लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से निशान लगा लिया, अब इसको पट्टी के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको निशान लगा लेते हैं पूरा। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, इसकी लंबाई जो है 26 इंची हमने बताया आपको, तो 26 तो हम 27 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच लंबाई में हमेशा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, और 0.5 इंची हम इसके नीचे फोल्डिंग करने के लिए लगाएंगे सिलाई के लिए। और शोल्डर, अब जैसा कि हमने बताया इसका 16 इंच, तो यहाँ उसका हाफ होगा 8 इंच, हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और चेस्ट इसका जो है 34 इंच है, तो इसमें ये फिटिंग सेट है इसलिए हमको इसमें आधा इंची माइनस करना है, तो हम 7.5 इंच पर इसको निशान लगाएंगे। हमने इसमें 1 इंच कम कर दिया है, तो ये फिटिंग सेट है। अगर लूजिंग होता तो पूरे चौथे भाग आपको रखना होता 8.5 इंच। अब यहाँ से हम इसको चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच पूरा, तो यहाँ से हम लूजिंग देंगे। अब इसमें अगर आपको ज़्यादा फिटिंग सेट चाहिए तो आप 1.5 इंची लूजिंग दे दीजिए, मीडियम चाहिए तो 2 इंच, अगर उससे ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 2.5 इंच। तो चूंकि ये फिटिंग सेट है इसलिए हम इसमें 1.5 इंची लूजिंग देंगे, तो यहाँ हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 10 इंच पर हम यहाँ भी निशान लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लाइन है हमने आर्म होल का लगाया था चेस्ट वाला भाग, हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ जो हमने निशान लगाया था लंबाई का हम लगा देते हैं, और 1/2 इंच जो हमने सिलाई के लिए लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको जो हमने निशान लगाया यहाँ से हम निशान लगा देंगे, और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमने चौथा चेस्ट का चौथा निशान लगाया था, तो यहाँ से हम 0.5 इंची माइनस करके यहाँ से हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ हम आर्म होल का निशान लगा देते हैं, यहाँ से 1 इंच आपको डाउन जाएगा, तो इस तरह से निशान हमने लगा दिया। यहाँ शोल्डर के लिए हम 1.5 इंची डाउन करेंगे, और गले का चौथा भाग लेंगे, छठा भाग लेंगे, हम 2.5 इंच निशान लगाएंगे, यहाँ यहाँ भी 2.5 इंची। अब इसको हम हल्का सा सेव कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम इसको राउंड कर देते हैं, सीधा भाग निशान लगा देते हैं। अब चूंकि हमको इसमें कमर का निशान लगाना है, तो राउंड वाले स्केल से
अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 1 इंची हम डाउन करेंगे इसको, हम इसको यहाँ, अब इसको हमको राउंड वाले स्केल से इसको फिटिंग लेना में है, फिटिंग करना है हमको, तो हमको इसको कमर में इस तरह से हमको निशान लगा लेना है, तो ये फिटिंग हो जाएगा। और यहाँ हम 2.5 इंची 2 इंची हम लेंगे यहाँ एप्पल के निशान के लिए, यहाँ से हम 3 इंची इसको हम यहाँ से डाउन करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा निशान हो गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट की कटिंग कर लिया है। अब हम आपको बैक की कटिंग बताएंगे। आपको इसमें छोटा तीरा रखना है या बड़ा तीरा रखना है, उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। सीधे स्केल से इसको हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से हमको फ्रंट को ऊपर रखना है इस तरह से, और यहाँ से अगर आपको डबल शोल्डर चाहिए डबल तीरे वाली, तो फिलहाल आप यहाँ 1.5 से 2 इंची आप इसको ऊपर लगा सकते हैं। तो हम 1.5 इंची इसको रखेंगे, तो शोल्डर हम 5.5 इंची रखेंगे। इस तरह से हमको इसको रखना है, और ये जो फ्रंट है अपनी साइड में 1/2 इंची बढ़ा लेना है। इस तरह से आप इसको अपनी तरफ साइड में 1/2 इंची बढ़ा लीजिए। अब यहाँ शोल्डर का नाप ले लीजिए। शोल्डर जैसा कि इसका 16 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इसको इस तरह से निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बैक फ्रंट को दोनों कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम आपको अस्तरी कटिंग बताएंगे। तो इसको इस तरह से आपको रखना है कपड़े को, और इसको अपनी तरफ थोड़ा सा क्रॉस करना है इस तरह से। अब यहाँ आपको रखना है 7.5 इंच, जितना कि आपने चेस्ट में रखा था जो आर्म होल वाला निशान लगाया था, उतना आपको यहाँ भी रखना है 7.5 इंच इसकी चौड़ाई जो है आर्म होल की। तो यहाँ से हम निशान लगा देते हैं। यहाँ से अस्तरी की लंबाई हम नाप लेते हैं 23 इंच। इसमें हमने 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि इसमें 2 इंच का कफ लगेगा, और कफ इसका जो है 8.5 इंच है, तो इसको हम यहाँ 1 इंची लूजिंग देंगे, तो 5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इसको 2.5 इंच इसका डाउन करेंगे, और इस तरह से हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ राउंड वाले स्केल से आपको इस तरह से आपको रखना है। तो हमने इस तरह से इसको निशान लगा लिया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अस्तरी कटिंग कर दिया, थोड़ा राउंड हमने कटिंग किया हुआ है ताकि ये फिटिंग रहे। आपको सीधा नहीं कटिंग करना है, क्योंकि नहीं तो अस्तरी लूज हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे फ्रंट वाले भाग में इस तरह से। अब यहाँ बैक साइड में हमको यहाँ चाक का निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 4 इंच लगाएंगे, यहाँ से हम 5 इंच लगाएंगे। तो इसको हमको कटिंग कर लेना है इस तरह से। ये हमारी अस्तरी हो गई। अब हम यहाँ कटिंग करेंगे शोल्डर यानी तीरा। तो तीरा आपको किस तरह से कटिंग करना है, जैसा कि इसमें डबल तीरे लगेंगे, तो डबल तीरे के लिए आपको इस तरह से घड़ी कर लेना है। अब ये किनारी छोड़ के आपको नाप लेना है, इसका चौड़ाई नाप लेना है 5 इंच। अगर हम वहाँ 2 इंची डाउन करते तो ये 6 इंची शोल्डर इसकी चौड़ाई हो जाती है। यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगा। तो इस तरह से हमने इसको घड़ी किया हुआ है।
अब यहाँ से आपको शोल्डर की लंबाई लेना है इसका, जैसा 16 इंच है तो हम 8.5 इंच पर इसको निशान लगाएंगे, और यहाँ बैक गला जो है वो हम 1.5 इंची डाउन करेंगे, और यहाँ से हम इसको 2.5 इंची आपको यहाँ सीधा सेप करना है इस तरह से, ज़्यादा आपको डाउन नहीं करना, नहीं तो आपका जो कॉलर होता है वो सामने उटंक हो जाएगा। अब यहाँ आपको 1.5 इंची डाउन कर लेना है, तो यहाँ से हम इसको निशान लगा देते हैं, और यहाँ से भी। तो सबसे पहले आप किनारे निकाल लीजिए, अब हमने शोल्डर की कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप शोल्डर की कटिंग करना है, आपको इस तरह से तीरा 2 डबल निकाल लेना है इसी तरह से। तो ये थी आज की शर्ट कटिंग, फिटिंग शर्ट एप्पल कटिंग करने का तरीका। तो इस तरह से आप एक फिटिंग एप्पल शर्ट की कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।